बिहार में राज्यसभा के लिए नामांकन 27 फरवरी को 6 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग। राज्यसभा के रेस में होगी सियासी भिड़ंत। लोकसभा चुनाव के शंखनाद से पहले देश में 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 27 फरवरी को मतदान होंगे। इन सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 तक है। उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं, जिसे लेकर बिहार के 6 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से 3 उम्मीदवार जेडीयू से संजय झा और बीजेपी से धर्मशिला गुप्ता भीम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार में खाली हो रही हैं 6 सीटें। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटें खाली होने जा रही हैं। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, आरजेडी नेता मनोज कुमार झा, अहमद अशफाक करीम, जेडीयू नेता अनिल प्रसाद हेगड़े, वशिष्ठ नारायण सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसी क्रम में कांग्रेस ने फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह को भेजा है। विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए को 3 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं संजय कुमार झा। बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य संजय कुमार झा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। नामांकन के दौरान संजय झा ने कहा कि ये बहुत बड़ा पल है। नीतीश कुमार ने पहले बिहार में काम करने का मौका दिया, अब संसद में जाकर बिहार के लिए काम करने का मौका दिया है। हम लोगों ने नॉमिनेशन किया है और अगला जंप अब केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में कैसे इन्वेस्टमेंट आए, कैसे उद्योग लगे, कैसे रोजगार मिले, जो कमिटमेंट हम लोगों को 7 निश्चय 2 में है, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, उसको पूरा करना कर सकते हैं। हम पूरा स्वीप और मार्जिन भी कोई भी सीट ऐसा नहीं है। वहीं एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन होने पर भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि भाजपा ने अति पिछड़ा समाज के 2 लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया। मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के 4 सदनों में रहने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के 2 लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया। एक तेली समाज की महिला और एक चंद्रवंशी समाज के डॉक्टर भीम सिंह, और मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के 4 सदनों में रहने का मौका दिया। मैं 15 साल विधायक रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, डिप्टी सीएम रहा 10 साल, बिहार का वित्त मंत्री रहा। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी का काम करता। इधर बीजेपी की ओर से धर्मशिला गुप्ता का नामांकन होने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, एक महिला को मौका दिया राज्यसभा में सांसद के तौर पर, जो कि एक पिछड़ा समाज से आती हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को धन्यवाद देता हूँ। वहीं सोनिया गांधी पर तंज भी कसा। से आती है एक महिला,
को मौका दिया राज्यसभा में सांसद के तौर पर। पार्टी के नेतृत्व को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बार राज्यसभा जाना पड़ा, जाना ही पड़ेगा। अभी तो सोनिया गांधी जी गई है, कुछ दिन के बाद राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा। बता दें कि धर्मशीला गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता रही हैं और नागेंद्र झा महिला कॉलेज में शिक्षिका हैं। धर्मशीला गुप्ता ने जिला और बिहार प्रदेश संगठन में कई पदों पर काम किया है, वो कोल इंडिया की सदस्य भी हैं। पंजाब केसरी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।